अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलिए बहुत हो गई बातें, अब आप आराम से उठिए। आराम से, अभी आपको तैयार होना है, नाश्ता करना है, डॉक्टर का बताया हुआ व्यायाम भी तो करना है और उसके बाद आपको दवाई लेनी है। चलिए ऐसे काहे देख रहे हैं, इस सारी चीज हम आपके लिए लाए हैं। चलिए पहले मंजन कर लीजिए। ओहो, हम भी कितने बड़े पागल हैं, रोज तो आप अपने हाथ से मंजन करते हैं ना, आज हमारे हाथों से कर लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे। चलिए दांत दिखाइए। ई नाम की किताब तक चल गई होती, पता नहीं कौन सा अमृत पीकर आया है, इस बार भी बच गया। लेकिन उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा जब बॉडी किसी मुर्दे जैसी रह गई हो तो? मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जब से उस रेवा को रात की सेवा करते देखा है से लग रहा है कि उसको वो ठीक के बिना चैन नहीं पाएगी। देखा नहीं तुमने, कल कैसे छाती पीट पीट कर कह रही थी कि वो राज की पत्नी है। बात तो बिल्कुल सही है कश्मीरा, कायदे से राज की पहली बीवी रेवा ही, चाहे वो राज हो या उसकी प्रॉपर्टी, पहले हक तो राज के बाद उसका ही बनता है। यही बात मुझे खाई जा रही है, दादी और दिग्विजय तो पहले से ही उसके साथ है, और अगर राज भी रेवा को अपनी बीवी मान ले तो? मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। राज, ये घर, ये परिवार, ये सब मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे पता है श्रुति, और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी। पर तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? कश्मीरा दी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपने आपने अभी देखा ना कैसे रेवा ने राज पर अपना हक जताया, और किसी ने कुछ नहीं कहा, उसने खुद को राज की पत्नी कहा और सब चुप थे। कश्मीरा दी, अब मुझसे वो लड़की मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप प्लीज कुछ कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए और उसको इस घर से बाहर कर दीजिए। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। सच? बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। और हाँ, इधर उधर भटकने से अच्छा है तुम राज के साथ टाइम स्पेंड करो, उस रेवा को उसके आसपास भी मत आने दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? मैं समझ रही हूं, पर आप पक्का मेरी हेल्प करेंगी ना? कोर्स करूंगी। अब जाओ, इसके पहले की देर हो जाए। थैंक यू कश्मीरा दी।
बेवकूफ लड़की, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये रेवा का ना एक बार भी पाका नहीं कर पाएगी। अब ये चैप्टर मुझे ही खत्म करना होगा। एक वो ही है जो इस घर में रेवा नाम के उस जंगली पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। कौन? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। सूप पिएंगे, फिर दवाई खाएंगे और थोड़ी कसरत के बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है? चलिए आ कीजिए। मेरी नजर हटती है तुम तो सूप पिलाने ही शुरू हो गई। मैं रख लूंगी मेरे राज का ख्याल। ओके राज, तुम्हें सूप मैं पिलाऊंगी। ओके ये लो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम जल्दी ठीक नहीं होगे तो मेरे आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। चाहती हो कि तुम ठीक हो जाओ और उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है? अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। साफ कर लूंगी। और तुम कल बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी ना, मैं राज की बीवी हूं, मैं राज का ध्यान रखूंगी। रखो, कर देना ये सब साफ। ओके और तुम आराम करो, मैं ये साफ करके आती हूं। लाइए हम साफ कर देते। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। जरूरत नहीं है और अपना ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बोलेंगे तो आपके गले पे जोर पड़ेगा। और वैसे भी हम बस अपना काम कर रहे हैं, आप दवाई खाइए, ये लीजिए आराम से।
थैंक यू। फर्ज निभाने के लिए कैसा थैंक यू? पहिए वाली कुर्सी के मजे ज्यादा दिन नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है? मरते दम तक न बदलेगी तुम वो मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा आखिर तुम मोहब्बत हो। से ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है, जीने के लिए तो काफी है। राज के एक्सीडेंट के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई ना दीमा। अनुपमा आंटी, कैसी है राज की तबीयत? एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था पर पहले से बेहतर है वो। डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है उसके। अचानक ये सब हुआ कैसे? श्रुति ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सब उस रेवा। रेवा हदी हो गई है, कॉल करके मैंने बुलाया और जल्दी इन्हें रेवा से मिलने की है। तू तो श्रुति की लकी चाम थी और तू यही थी, फिर ये सब कैसे हुआ रेवा? लकी चाम नहीं, मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने वाली चिंगारी है ये। मम्मा, आपको पता है राज की आज जो भी हालत है वो इसकी वजह से ही है। क्या बोल रही है तू बेटा? श्रुति बिल्कुल ठीक कह रही है, राज की हालत की जिम्मेदार ये लड़की है। नहीं, ये नहीं हो सकता, रेवा कभी कोई गलती नहीं कर सकती। अच्छा, ये कुछ गलत नहीं कर सकती? ठीक है तो पूछिए इससे, इसकी मांग में जो सिंदूर है वो किसके नाम का है? और ये अपने गले में मंगलसूत्र लटकाकर फिर रही है वो किसका है? कौन है तुम्हारा पति? क्या राज और श्रुति की शादी से पहले तूने राज को नहीं फंसाया था? राज को रेवा ने फंसाया? कश्मीरा जी जो बोल रही है उसका मतलब क्या है रेवा? बता कौन है तेरा पति? सहरी साहब, जो श्रुति दीदी के पति, सुन लिया आपने? अब तो आपको तसल्ली हो गई ना
अब इसने अपनी जुबान से कबूल कर लिया है। ऐसे ऐसे ही हम लोगों को भी झटका लगा था जब ये पता चला था कि राज और श्रुति की शादी से पहले इसने मेरे भाई से गांव में जाकर शादी कर ली थी। देखो, अगर तुम श्रुति को अपनी दीदी मानती हो तो उस लिहाज से मैं तुम्हारी मां हूं। झूठ बोलू तो मेरी ब्यूटी चली जाए अनु आंटी, लेकिन रेवा की वजह से ही श्रुति छत से कूदने वाली थी और उसे बचाने के चक्कर में राज जमीन पर आ गिरा। रेवा बेटा, ज्यादा जरूरी काम ना हो तो थोड़े और दिन रुक जाओ। हमारे यहाँ जब बड़ी बहन विदा होती है ना तो छोटी बहन उसके साथ ही जाती है उसकी मदद करने के लिए। थोड़े दिन और रुक कर श्रुति के साथ उसकी मदद कर दो प्लीज। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। चुकाया तूने हमारे एहसानों का बदला? हाँ, श्रुति तुझे अपनी बहन बनाकर यहाँ लाई थी। तूने नागिन बनकर उसकी खुशियों को ढक लिया। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था, श्रुति के बराबर का दर्जा दिया था। इतने दिनों तक तुम हमारे साथ हमारे घर में रही, लेकिन इसके बारे में एक बार भी बात नहीं हुई। आखिर सोच कर क्या रखा था तुमने? हाँ, क्या चाहती थी तुम? टीची, एक बार शांति से हमारी बात। एक शब्द नहीं सुनूंगी अब मैं तुम्हारी। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है मुझे। चलो निकलो यहां से। हम आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं आंटी जी, और जितने भी एहसान आपने हम पर किए हैं ना, हमें सारे एहसान याद हैं, और हर एक एहसान का हम बहुत ही अच्छे से बदला चुका भी देंगे। लेकिन अभी इस घर में हमारे पति की जान को खतरा है। चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, हम इस घर से हिलेंगे भी नहीं। नमस्कार समधन जी। हम दिग्विजय सिंह चौहान, राज के पिताजी। नमस्ते। आपसे हमारी पहली मुलाकात है, वो भी ऐसे हालात में। अभी मैंने आपकी सारी बातें सुनी। कोई यहां चाहे कितना भी इनकार करे, लेकिन सच तो यह है कि रेवा राज की पहली पत्नी है। और इस खानदान की बहू, तो इस नाते उसकी इज्जत तो करनी होगी ना। और रही बात राज और रेवा की शादी की, तो उसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। सके तो हमें माफ कर दीजिएगा आंटी जी, कितनी बदतमीजी से बात की हमने आपसे, जिसे हम अपनी मां समान मानते हैं, पर हम भी कहा करते ये जानते हुए कि हमारे इस घर से जाते ही सहरी साहब कश्मीरा दीदी के शिकार हो जाएंगे, कैसे उन्हें छोड़ के यहां से चले जाएं? ना दिल दुखा होगा आपका,
हमें माफ कर दीजिएगा। किसी का दिल नहीं दुखा होगा क्योंकि तूने कुछ गलत कहा ही नहीं है रेवा। और ये क्या, ऐसे छोटी बड़ी बात पे खुद को दोषी मानती रहेगी तो कैसे चलेगा? जरा सोच, महादेव ने खुद तुम्हें यहां छोड़ रखा है तो तुझे तो किसी और बात की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, है ना दादी? इस घर में इतना कुछ हो गया और तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मम्मा ऐसा नहीं है, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। श्रुति, कोई बच्चा अपनी माँ को परेशान कर सकता है भला? एक महीने भी नहीं हुई है तेरी शादी को और ये खत्म होने के कगार पर आ गई है। राज के पापा ने रेवा और राज की शादी की कोई भी कहानी सुनाई हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज सिर्फ तेरा है और तेरा ही रहेगा। मैं भी देखती हूँ कि तेरे और राज के बीच में कोई तीसरा कैसे आता है। मतलब आप? हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ यही रहूंगी तब तक जब तक रेवा को मैं इस घर से बाहर ना निकाल फेंकूं। अब तो टेंशन मत ले, राज की जिंदगी से रेवा को निकालने के लिए अगर मुझे उसकी जान भी लेनी पड़े ना तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी।